वनरोपण योजना का गोला में दुरुपयोग हो रहा है, जिसमें पैसे खूब घालमेल चल रहा है। बिना काम किए ही ग्रामीणों के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं, इसमें बच्चों के खाते का भी इस्तेमाल हो रहा है। विधायक ने जांच कराने की बात कही इस मामले में। तो कोरोना काल में झारखंड की धरती को और हरा भरा करने पर पर्यावरण को स्वच्छ करने को लेकर सरकार ने सुदूरवर्ती गांव में पेड़ लगाने की कई योजना चलाई। इस पर करोड़ों रुपए खर्च भी हो रहे हैं, मगर ये योजना धरातल पर कितना उतर रहा है इसे देखने वाली वाला ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। रामगढ़ से गोला से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वनरोपण योजना का हो रहा दुरुपयोग, पैसे का हो रहा घालमेल, बिना काम किए ही खाते में जा रहा पैसा, बच्चों के खातों का भी हो रहा इस्तेमाल। विधायक ने कही जांच कराने की बात। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए सरकार राज्य स्तर पर सभी वन क्षेत्रों में सिल्वी कल्चर और वन रोपण योजना चला रही है। इसमें स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ना और अधिक पेड़ लगाकर वनों को हरा भरा करना मुख्य उद्देश्य है। लेकिन गोला वन क्षेत्र के पूरबी जंगल में वन अधिकारियों की मिलीभगत से वनरक्षी बिना काम किए ही ग्रामीणों के खाते में, हालांकि इसका थोड़ा हिस्सा ग्रामीणों को भी जरूर मिलता है, और पैसे के लेन देन को लेकर जब अनबन हुआ तो इस मामले का खुलासा हो गया। ग्राउंड में हम लोग चार लड़का बैठे हुए थे, वन विभाग का आदमी सब आया, लोग पूछा बाबू तुम्हारे पास पासबुक है? तो हम लोग बोले हाँ पासबुक हम लोग के पास है। तो लोग बोला कि फोटोकॉपी करके दो, तो हम लोग दे दें। उसके बाद पूछे कि कुछ क्या कीजिएगा फोटोकॉपी का, तो उन लोग बोला कि वन विभाग से कुछ पैसा आएगा तो उसमें कुछ तुमको भी नहीं कुछ अपने भी रखेंगे। उसके बाद उन लोगों का घर में आके बोलने लगा कि तुम लोग तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ गया तो हमको, तो हम बोले क्या चीज़ आया? तो हम लोग बोले नहीं वहाँ काम किया उसका, तो हम उसमें काम भी नहीं किया, उसमें मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। और घर में आके बार बार आता है, शाम को कॉल भी करता है कि पैसा दो और पैसा दो। हमारा जो वन विभाग है फॉरेस्ट विभाग, तो उसमें बोला गया कि तुम अपना पासबुक दो, उसमें हम दे दिया अपना पासबुक और बोला गया कि इसमें कुछ पैसा आएगा और तुमको भी इसमें कुछ पैसा मिलेगा। वहीं संबंध में वन अधिकार समिति के अध्यक्ष ने भी कहा है कि पूरबी जंगल में एक भी पेड़ लगाया नहीं गया, लेकिन सरकारी पैसों का बंदर बांट कर लिया गया, जो जांच का विषय है। गोला वन क्षेत्र गांव पूरबी में पौधारोपण का काम चल रहा है, जो यहां फॉरेस्ट से लेकर के एकदम नीचे तक जितने स्तर के हैं, सिपाही से एकदम लेबर सब यहाँ अपना ग्रुप बना के और गाँव में इधर उधर तलाश करते हैं कि किनके यहाँ ऐसा माने कौन लड़का है, और वो भोले भाले लड़कों से खाता ले करके माने उसमें पैसा निकासी किया जा रहा है। के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में जो कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें कि कई तरह के फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं, जिसमें कि इसमें सरकारी राशि का बंदरबांट किया जा रहा है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये सरकार भ्रष्टाचारियों का सरकार नहीं है, ये सरकार आम गरीब गुरबों की सरकार है, और इस सरकार में जो भी इस तरह के दोषी वार हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब इसकी जानकारी रामगढ़ विधायक ममता देवी को हुई तो उन्होंने दोषियों को सजा दिलाने की बात कही। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जांच कराने की बात कही। अब जिन पर वनों की रक्षा की जिम्मेवारी है वही इसमें घालमेल करते नजर आ रहे हैं। ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री के अधीन है, ऐसे में कार्रवाई होने में देरी कई सवाल पैदा करेगा। गोला से न्यूज 11 भारत के लिए मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता मिथिलेश, हम उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, यहाँ पर वन विभाग में जो पैसे का खेल चल रहा है, एक तरीके से कहा जाए बंदर बांट हो रहा है, और एक भी पेड़ नहीं लगाए गए हैं लेकिन पैसे गांव वालों के खाते में पहुंच गए हैं, क्या ये पूरा मामला है? जी, रामगढ़ वन परमंडल के गोला वन क्षेत्र में सिल्वी कल्चर के तहत पौधारोपण का कार्य चलाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों मजदूरों के काम करने के बिना ही उनके खाते में पैसे डाल करके उनसे निकासी करवाया जा रहा है। आपको बताते चले कि पूरबडी वन जंगल में वन अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत से एक गिरोह बना करके गांव के भोले भाले लोगों के साथ उनका पासबुक मांगते हैं, और पासबुक मांग करके उसमें पैसा मांग डालते हैं, और पैसा डाल करके उनसे पैसे की निकासी करते हैं। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तब जा करके ये खुलासा हुआ कि ये पैसा बिना काम किए हुए ही
उनके खाते में डाला जा रहा था। जो बच्चे विद्यार्थी हैं, भोले भाले हैं, ग्रामीण जो गांव के लोग हैं, सीधे साधे हैं, उनको इनका शिकार बना करके एक मोटी रकम जो सरकारी पैसे हैं उसका बंदर बांट कर रहे हैं। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि जिनको पर्यावरण की रक्षा करने की जिम्मेवारी मिली है वही लोग आज पर्यावरण को नष्ट करने में लगे हुए हैं। आपको ये ऐसे लोग रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो हमारा देश का क्या होगा, हमारा पर्यावरण का क्या होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश। तो मिथिलेश हमारे गोला संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से वहाँ वन विभाग की जो जो खेल है, पैसे का बंदर बांट है, वो चल रहा है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने आ रही है।